नमस्ते, मेरा नाम मोहन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे है जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 3 प्रमुख खबर बताते हैं। तो चलिए खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर, बिहार में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 1 अगस्त से 16 अगस्त तक ये बिहार में लगा लॉकडाउन का 6ठा चरण है जिसके जो तमाम दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल 31 जुलाई तक लॉकडाउन 5 लगा हुआ है जो आज खत्म हो जाएगा और कल से लॉकडाउन का 6ठा चरण शुरू होगा। लॉकडाउन का ये चरण राज्य, जिला, अनुमंडल, अंचल मुख्यालय के साथ साथ नगर निकाय क्षेत्रों में भी प्रभावी रहेगा। केंद्र और राज्य सरकार के साथ निजी कंपनियों के दफ्तर 50% कर्मचारी के साथ खुल सकेंगे। हालांकि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभाग, पेट्रोल, CNG, LPG 100% कर्मचारियों के साथ खोले जा सकते हैं। टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा का परिचालन जो है वो पहले की तरह जारी रहेगा। बस सेवा को पूरी तरह से बंद रखा गया है। मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर रोक नहीं होगी। 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। हालांकि केंद्र स्तर पर नाइट कर्फ्यू जो है उससे आज़ादी दे दी गई है, लेकिन बिहार में नाइट कर्फ्यू अब भी जारी रहेगा। शर्तों के साथ व्यावसायिक और निजी संस्थान खुल सकेंगे। दुकानों को भी शर्तों के साथ खोला जाएगा। मॉल अभी नहीं खुलेगा। दुकानों के खुलने का जो टाइम टेबल होगा वो जिला प्रशासन तय करेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इन दोनों की अनिवार्यता, कोरोना जब तक खत्म नहीं होता है तब तक तो रहेगा ही। कंटेनमेंट जोन में किसी तरह का कोई छूट नहीं दिया गया है। बैंक, ATM खुला रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा इत्यादि खुले रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। रेल, हवाई सफर खुले रहेंगे। जरूरी सेवाओं के लिए आप निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक कब कब बिहार में लॉकडाउन लगा है अब ये जानिए। 23 मार्च से 14 अप्रैल तक पहली बार लॉकडाउन लगा था। 15 अप्रैल से 3 मई तक दूसरी बार। 4 मई से 17 मई तक तीसरी बार। 18 मई से 31 मई तक चौथी बार। और फिर 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पांचवी बार। और अब 1 जुलाई से 16 अगस्त तक 6ठे बार ये लॉकडाउन लगा है। तो परहेज में रहिए, कोरोना से बचिए, क्योंकि बिहार के जो अस्पतालों का हाल है वो तो आप देख ही रहे हैं, तो इसलिए परहेज में रहने की ज़रूरत है। अब दूसरी खबर, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु जब से हुई है तब से बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के शव के मिलने के बाद सीधा सीधा ये कह दिया गया था कि ये एक सुसाइड का मामला है, लेकिन जब से धीरे धीरे पर्दे खुलने लगी हैं तो मालूम चला कि माजरा तो कुछ और है। और इसी के मद्देनज़र पूरे देश में एक आक्रोश फैल गया है जो बॉलीवुड में मौजूद परिवारवाद के खिलाफ है। लेकिन अगर सिर्फ हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ की राजनीति इसलिए गर्माई हुई है क्योंकि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और फिलहाल बिहार सरकार में सहयोगी NDA के घटक दलों में से एक लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान एक सुर में नीतीश कुमार को दोष दे रहे हैं। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब तक सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों से क्यों नहीं मिले हैं और आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अब तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का एक साथ इस मुद्दे पर कहना बिहार की राजनीति को गरमाने के लिए काफ़ी है। ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इसी साल बिहार में चुनाव हो रहा है और विपक्ष के नेता के साथ सहयोगी दलों का आ जाना और समान बयानबाजी करना कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि नीतीश कुमार खुद के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। इसी खबर में दूसरी खबर ये है कि लगातार सुशांत सिंह राजपूत के लिए CBI जांच की मांग हो रही है। चाहे वो हम के प्रमुख जीतन राम मांझी हों, जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव हों, JDU के KC त्यागी हों या भाजपा से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने ये तक कह दिया है कि मैं इस बात की संभावनाओं को देख रहा हूँ कि CBI जांच के लिए क्या क्या किया जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के लिए धरोहर थे और उनका चला जाना वाकई दुखदायी है, लेकिन जिन परिस्थितियों में वो गए हैं वो सवाल खड़ा करता है। और उस सवाल पर बिहार के मुख्यमंत्री का चुप रहना, उनके परिवार वालों से जाकर ना मिलना, CBI जांच को लेकर कोई टिप्पणी ना करना कहीं ना कहीं इस बात को हवा दे रहा है कि नीतीश कुमार सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को हल्के में ले रहे हैं। और अगर सचमुच ऐसा है तो नीतीश कुमार खुद का नुकसान कर रहे हैं। अब तीसरी खबर, कल बिहार के औरंगाबाद में NH 139 पर स्थित जिनोरिया गांव के पास इंडियन बैंक से गुरुवार सुबह यानी कल सुबह 11 बजे के लगभग लुटेरों ने 70 लाख रुपए लूट लिए। जानकारी के मुताबिक आम दिनों की तरह बैंक 10 बजे तक खुल गया था। इसके बाद करीब 11 बजे 3 अपाची बाइक से 9 लुटेरे वहां पहुंच गए। सबके पास अपना अपना हथियार था और 4 इसमें से बैंक में प्रवेश कर गए और निजी गार्ड जो वहाँ तैनात थे उनको पकड़ लिया, उनकी बंदूक को छीन लिया और चाकू से उन्हें घायल कर दिया गया। उसके बाद गोली की धमकी पर उन्हें चुप करा दिया गया। उस समय बैंक में करीब 5 से 7 ग्राहक मौजूद थे जिन्हें कैंटीन में बंद कर दिया गया और गोली के दम पर उन सबको चुप रखा गया। 2 लुटेरे गेट पर तैनात थे,
चार अपराधी कैश काउंटर पर गए और वहां पर बैठे कैशियर चंदन कुमार और सहायक प्रबंधक मुकेश कुमार को पिस्टल के बल पर कब्जे में ले लिया। एक अपराधी बैंक प्रबंधक अनिमेश कुमार के पास गया और उन्हें भी बंदूक के बल पर कब्जे में ले लिया। इसके बाद चाबी लेकर कैश वॉल्ट को खुलवाकर लगभग 61 लाख रुपया उससे निकाल लिया और बाकी का करीब 9 लाख रुपया कैश काउंटर से उठा लिया गया। सभी अपराधियों ने मुंह पर गमछा बांध रखा था और बंदूक के बल पर दिन दहाड़े लूटपाट ये की गई। इस लूटपाट के बाद पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की है और एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। SP पंकज कुमार ने बताया है कि मामले की जाँच की जा रही है। IG राकेश त्रिपाठी घटनास्थल का निरीक्षण कर चुके हैं। SSP और SDPO के नेतृत्व में SIT गठित किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। साथ ही इस लूटकांड के बाद गया में कई जगहों पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम अमन शर्मा है, धन्यवाद।